हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? गाइस आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी। तो गाइस आज की जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। गाइस आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपकी बीफॉर्म थर्ड सेम में एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, तो उसकी जो यूनिट सेकेंड है उसी के मैं आपको आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप इनको प्रिपेयर कर लोगे तो आपकी जो यूनिट सेकंड है वो अच्छी तरह से कवर हो जाएगी, आपको उसमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और गाइस उससे पहले अगर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार चैनल आप ही के लिए है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो देखिए गाइस जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस मैंने यहाँ पे ना ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो सबसे बेस्ट हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो इनको आप एक बार याद कर लोगे तो आपकी जो यूनिट सेकेंड है वो खैर अच्छी तरह से कवर हो ही जाएगी। तो देखिए जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था वो था मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर, तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गाइस आप इसमें ना डिटेल्स में थोड़ा पढ़ लेना क्योंकि ये जो यूनिट सेकंड है उससे हर बार आता है कि मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है। तो ठीक है, तो एक बार ये आप अच्छे से याद कर लेना। और गाइस जो हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है वो है फोरियस लॉ। तो जनरली ये जो क्वेश्चन होता है ना ये आपके 5 मार्क्स के जो आते हैं एग्जाम में उसमें आ जाता है कि फोरियस लॉ क्या होता है। ये जनरली आपके 2 मतलब टाइप के होते हैं, आपको ये दोनों ही आने चाहिए कि फोरियस लॉ क्या क्या होते हैं और इनकी डेफिनेशन है और इनके थोड़े से रूल हैं। तो ठीक है, आप ये सब याद कर लेना, ये जनरली जो आपके 5 मार्क्स से होते हैं उसमें ही आ जाता है। अगर उसमें नहीं आएगा ना तो इसका एक लॉ आपको जो सेकंड नंबर का होता है ना उसमें ज़रूर आता है, मतलब 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो एक बार ये आप ज़रूर से याद कर लेना। और गाइस जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का वो है फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये आपका जनरली जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाता है कि फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन क्या होता है। और इसके थोड़े से मतलब डिटेल्स में आप पढ़ लेना और इसके कुछ नियम हैं वो भी एक बार आप रूल यानी हम कहते हैं जिन्हें वो भी आप एक बार ज़रूर से देख लेना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइस आपको मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, आप बस इनको ही पढ़ लेना, इन्हीं से आपकी जो यूनिट सेकेंड है वो अच्छी तरह से कवर हो जाएगी। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का वो है क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेशन। तो ये इसी का है, ये जनरली आपके मतलब जो क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेशन होता है इसमें कौन से फैक्टर जो इसे इफेक्ट करते हैं ये आपको आना चाहिए। और इसके बाद इसकी डेफिनेशन, ये जनरली आपका जो डेफिनेशन है इसकी 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाती है कि क्लाइंबिंग जो फिल्म इवेपोरेशन है उसकी डेफिनेशन लिखिए। और इसके प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, जो यहाँ पे प्रिंसिपल हैं इवेपोरेशन के, मतलब यहाँ पे 3-4 इवेपोरेशन है, आप इनके सभी के याद कर लेना। तो क्योंकि इसके जो ज़्यादातर प्रिंसिपल ही हमारे आते हैं वो भी 10 मार्क्स में, मतलब किसी एक इवेपोरेशन का नाम दे दिया जाएगा और उसकी डेफिनेशन थोड़ा उसका डिटेल्स में इंट्रो और उसकी ना प्रिंसिपल। तो आप एक बार जो इवेपोरेशन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन्हें एक बार आप अच्छे से याद कर लेना। और देखिए जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का वो है फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेशन। तो ये भी मतलब सेम ही है, इसके प्रिंसिपल और इसके रूल और जो हमारा फोर्स करता है इवेपोरेशन को वो कौन से हमारे इफेक्ट हैं, कौन कौन से इफेक्ट उन्हें शो करते हैं, ये सब इसके बारे में आपको आना चाहिए। और इसके जनरली जो मतलब प्रिंसिपल होते हैं वो आपके 5 मार्क्स में आ सकते हैं। तो एक बार आप ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से याद कर लेना कि जो फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेशन है वो क्या होता है। ठीक है, तो बस यही थे मतलब 4-5 क्वेश्चन थे इसमें जो इवेपोरेशन से रिलेटेड थे। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की जो भी इवेपोरेशन के है, इवेपोरेशन से है, वो है मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेशन। इसमें आपको बताना क्या है कि जो मल्टीपल इवेपोरेशन है वो कौन कौन से हमें इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और मतलब ये ज़्यादातर आता है हमारे जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये 3-4 क्वेश्चन है इसमें से इवेपोरेशन से रिलेटेड और जो काफ़ी ज़्यादा सभी ही मोस्ट हैं जो हमारे 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में आ सकते हैं। तो एक बार आप ना इवेपोरेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सभी से को याद कर लेना। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का हुआ है डिस्टुलेशन। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपकी यूनिट सेकेंड है उसी का है, जो आपके मतलब जो यूनिट सेकेंड है ना ये आपकी 3rd पार्ट में डिवाइड हुई है।
जो फर्स्ट है वो है मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र, और जो सेकंड है वो है इवेलुशन, और जो सेवन मतलब थर्ड है सॉरी वो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एग्जाम है जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्टीम क्या होता है और फोर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपको दोनों ही आने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बस ये सेवन क्वेश्चन है आपकी जो यूनिट सेकंड से, और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है सेवन के सेवन। आप एक बार इन्हें जरूर से याद कर लेना, क्योंकि मैंने ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, मतलब जिनके आने के चांस ज़्यादा होते हैं। और गाइस आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि आपको ना मतलब यूनिट बाई यूनिट आपको जो मतलब आपकी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है वो मैं आपको कवर कराऊंगा। और इससे पहले ना मैंने आपके जो यूनिट फर्स्ट है उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जान के चेक कर सकते हैं। तो बस गाइस यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी यार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड लोगों के साथ एक बार ज़रूर से शेयर कर देना। और गाइस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो, आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और गाइस आप एक फार्मेसी से रिलेटेड स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो यार चैनल आप ही के लिए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।